सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले स्पेशली बिटकॉइन को लेकर, क्योंकि बिटकॉइन ने रिसेंटली पिछला ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है। अल्टकॉइंस बहुत ज्यादा ब्लीड हो रहे हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान है। डिटेल में बात करूंगा कि फिलहाल में हमको घबराने की जरूरत है अल्टकॉइंस के लिए या नहीं है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखो। इस वीडियो पे एम करते हैं 500 लाइक्स का, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को बड़ी बात नहीं, आप इजीली इसको हिट कर सकते हो। और गाइस आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर तुरंत ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको सिग्नल सर्विस बेनिफिट मिलते हैं, प्राइस अलर्ट्स मिलते हैं, लॉट मोर इन्फॉर्मेशन मिलती है टेलीग्राम ग्रुप में। तो भाई टाइम बहुत कम है और वक्त बिल्कुल एक निकल चुका है अल्टकॉइंस के अंदर, फिर भी बहुत मुख्तसर वक्त में समझते हो अल्टकॉइन के अंदर हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाकर ज्वाइन करो। फिलहाल मूव करेंगे डायरेक्टली टॉपिक पर। तो फिल वक्त की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बिटकॉइन की, तो रिसेंटली बिटकॉइन ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है एक न्यू एक तरीके से आप कह सकते हैं जो पिछला ऑल टाइम हाई प्राइस जो कि लगभग था 61,597 डॉलर, करंटली चल रहा है 62,624 डॉलर। इसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूँ तो अल्टकॉइन, कुछ अल्टकॉइंस, क्योंकि हम सभी को पता है जब भी बिटकॉइन एक हायर रैली पर मूवमेंट लेता है तो जो मेजर कैप या जो मिड कैप वाले अल्टकॉइंस होते हैं वो उसके साथ अप जाते हैं, लेकिन जो लो कैप अल्टकॉइंस होते हैं वो डाउन जाते हैं। हमको ये चीज देखने को मिलती है कि जब भी बिटकॉइन हायर या अपर साइड में मूवमेंट लेता है तो वहां पर आपके जो स्पेशली सतोशी पेयर होते हैं वो डाउन जाते हैं, लेकिन डॉलर वैल्यू के हिसाब से मार्केट अप जाता है। क्योंकि ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट बेसिकली, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे, तो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक तरीके से पैटर्न क्रिएट था जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था और करंट में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसके हिसाब से हमने कल ही आपको एस्टिमेशन दिया कि मार्केट को 67,000 डॉलर तक जाना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट टाइम मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया था, लेकिन नो वॉल्यूम, लगभग दो दिन तक मार्केट था, लेकिन आज अचानक से वॉल्यूम क्रिएट हुआ और मार्केट हायर रैली पर मूवमेंट किया है। सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में पता नहीं कोशिश करूँ तो शायद यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर आपको देखने को मिलेगा, वो ये है कि भाई यहाँ पर एक तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है जिसको आप कह सकते हो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न मार्केट का जो 3% का हाइट था मेरे हिसाब से वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के अंदर ही है, थोड़े टाइम के अंदर 3-3.5% का जो हाइट है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन गाइस इतना याद रखो कि यहाँ पर मिड टर्म बोलो लॉन्ग टर्म बोलो बिटकॉइन बिल्कुल बुलिश है, मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से मार्केट को इस हायर रैली तक जाना है जो कि लगभग 67,000 डॉलर तक बनती है। तो भाई फिल वक्त अगर बिटकॉइन को वॉच कर रहे हो तो 67,000 डॉलर का लेवल है, इसको आप वॉच करो, मार्केट वहां तक जाएगा, क्योंकि ये एक बन रहा है राइजिंग वेज पैटर्न और अकॉर्डिंग टू द राइजिंग वेज पैटर्न मार्केट अपर जाता है, लेकिन उसके बाद का सिनेरियो हमारे लिए देखने के लिए रहेगा, क्योंकि उसके बाद मार्केट का चांस है क्या मार्केट डाउन में क्रैश कर सकता है। लेकिन अभी वो तब तक हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं जब तक आपका मार्केट इस लेवल तक नहीं जाता है, तो हमको स्पेशली इस लेवल का वेट करना होगा और जब मार्केट अगर उस लेवल पर चले जाता है तो फिर हम उसके अंदर और डिटेल में जाकर देख सकते हैं। अल्टकॉइन सीजन इंडेक्स की बात करें तो फिलहाल कोई ज्यादा चेंजेस नहीं मिल रहा है, 92% पे अवेलेबल है। ईयरली इंडेक्स थोड़ा सा रिवर्स हो चुका है, 65 पर आ चुका है, लेकिन अल्टकॉइन मंथली इंडेक्स स्टिल 92 पर है, जो तो मैं समझता हूँ अल्टकॉइन्स के लिए काफी अच्छी बात है। और ऑलरेडी अल्टकॉइन सीजन इंडेक्स के हिसाब से अगर बात करूं तो यहाँ पर मार्केट अच्छे तरीके से हायर जा चुका है। अभी देखना यह है कि बिटकॉइन कहाँ पर जाकर स्टेबल होता है, क्योंकि हम सभी को पता है जब भी बिटकॉइन डंप करेगा तो मार्केट गिरता है, पंप करेगा तो मार्केट गिरता है, जब बिटकॉइन स्टेबल होगा तो अल्टकॉइन में आपको मूवमेंट मिलता है। तो भाई ये चीज को हमेशा याद रखो, ये फॉर्मूले के हिसाब से आप अल्टकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ बिटकॉइन डोमिनेंस, क्योंकि अगर हम लास्ट अपडेट की बात करूँ तो यहाँ पर हमने बिटकॉइन डोमिनेंस को देखा था, वो लगभग अपने लेवल के बिलो ब्रेकडाउन कर दिया था, और मजे की बात यह है कि मार्केट ने ब्रेकडाउन भी किया है और मार्केट यहाँ पर रिवर्सल कर रहा है। तो भाई एक चीज तो यहाँ पर लग रही है कि जो रिवर्सल है मे बी ये पुल बैक कर रहा है टू टेस्टिंग दैट प्रीवियस सपोर्ट लेवल जो करंट में रजिस्टर का काम करेगा, देन इट विल फॉल डाउन। तो मतलब अल्टकॉइन सीजन फिल वक्त में करीबी है, मतलब ऑलमोस्ट हम एंटर कर चुके हैं, करीबी इसका मतलब ये नहीं कि हम एंटर नहीं किया, ऑलरेडी हम एंटर कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट चेंज है। क्योंकि अगर आप इस जोन को देखेंगे तो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके बता दूं, एक तो ये पिछला रजिस्टेंट था, एक तो ये पिछला सपोर्ट था, दोनों को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया है। इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट यहाँ से और भी ज्यादा लोअर जा सकता है, तो बिटकॉइन थोड़ा बहुत अपसाइड में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अल्टकॉइन के अंदर ज्यादा कोई करेक्शन का चांसेस मेरे को फिल वक्त में नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट ने जो हिसाब से उस लेवल को ब्रेक डाउन किया है उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्लियरली चांसेस है कि मार्केट 49% तक डोमिनेंस इजिली आ जाएगा।
अब उसके अलावा अगर मैं अल्टकॉइन डोमिनेंस की बात करूं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वही होता है, तो भाई अल्टकॉइन डोमिनेंस रिसेंटली यहां पर प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है, मे बी इसको पुल बैक करेगा, क्योंकि अगर बिटकॉइन अप जा रहा है तो अल्टकॉइन डाउन आएंगे, तो थोड़ा बहुत अल्टकॉइन में करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मार्केट को फिर से हायर रैली पे जाना है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहां पर गौर करो, यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, राइट है, पुल बैक लिया फिर हायर गया, तो यहां पर भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया इस लेवल को, पुल बैक कर रहा है मार्केट, फिर से यहां से हाई जाएगा। तो भाई बिटकॉइन अगर पॉसिबिलिटी ये है, बिटकॉइन 67,000 डॉलर तक जाने के बाद वापस करेक्शन कर सकता है डाउन में, और उस टाइम हमको अल्टकॉइन के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टोटल मार्केट कैप का, जो कि मैं टोटल मार्केट कैप इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, तो भाई उसके हिसाब से तो यहाँ पर मार्केट फिलहाल क्लियरली अप जा रहा है, कोई ऐसा चेंजेस कोई ऐसा न्यू चीज नहीं देखने को मिल रहा है। आप इसको वन पे देख लो, वीक में देख लो, डे में देख लो, तो यहाँ पर मार्केट सीधा सीधा अपसाइड में ही मूवमेंट ले रहा है। अगर मैं बात ये कहना चाहूँगा मैं फिलहाल अल्टकॉइन को होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो भाई बिटकॉइन ज्यादा टाइम तक अप नहीं जाएगा, इट मीन्स अप नहीं जाएगा, इसका मतलब ये अप नहीं जाने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन हमारा बिल्कुल सेम है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हमारा जो बिटकॉइन लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन है, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन के अंदर मैं आपको बता दिया हूँ 3 लाख डॉलर तक बिटकॉइन इजिली चला जाएगा। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लॉन्ग टर्म चार्ट एनालिसिस की, तो भैया बिटकॉइन लॉन्ग टर्म के अंदर बिल्कुल बुलिश है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई उसमें कंसेप्ट नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भैया जी बिटकॉइन लॉन्ग टर्म के अंदर स्टिल बुलिश है और मार्केट बुलिश ही रहेगा कब तक, जब तक ईयर एंड नहीं आता इस साल का। तो भाई बिल्कुल बेफिक्र रहो बिटकॉइन को, तो बिल्कुल बेफिक्र रहो बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन को लेकर। लॉन्ग टर्म के अंदर तो बिटकॉइन को हायर रैली पर ही जाना है, शॉर्ट टर्म के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, और उस शॉर्ट टर्म करेक्शन के अंदर चांसेस है कि भाई अल्टकॉइन में मूवमेंट बनेगा। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, अगर बिटकॉइन हायर जा रहा है तो उसको वॉच करो, लेकिन यस स्टॉप लॉस पुट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक्चुअल स्टॉप लॉस पुट करने से फायदा क्या होगा कि आप ज्यादा लॉस में नहीं जाएंगे। यस अगर बाकी अगर आपने कुछ कॉइन्स को एकदम बॉटम पे लिया है, जैसे कि नियो कॉइन हो गया, इथेरियम को जैसे कि आपने मान के चलो 100-200 पे लिया है, नियो को मान के चलो 600 पे लिया है, उसके अलावा जो भी कॉइन्स जो कि आपने एग्जैक्टली बॉटम पर बाय किया, तो मेरे हिसाब से फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट टेम्पररी करेक्शन करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फिर से मार्केट वापस अपसाइड में मूवमेंट लेगा। क्योंकि अगर मान के चलो इथेरियम आपने 90 पे लिया है, तो मार्केट करेक्शन कर करके कितना करेगा, वापस 90 पे तो नहीं गिरेगा, बट यस सतोशी वैल्यू में आपका प्राइस कम हो सकता है, लेकिन डॉलर वैल्यू में आपका प्राइस बढ़ सकता है। तो वो एक चीज डिपेंड रहेंगी कि आपने उसको क्या हिसाब से परचेज किया, आपने डॉलर को सोचते हुए परचेस किया है, बीटीसी को सोचते हुए परचेस किया, वो चीजें आपके लिए सवाल खड़े रहेंगे, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड है। मेरी बात करूं तो मैं हर कॉइन को अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कुछ कॉइन्स को मैं यूएसडी के हिसाब से मेजर करता हूँ ताकि मेरे को आयदन प्रॉफिट हो, कुछ कॉइन्स को मैं बीटीसी वैल्यू के हिसाब से मेजर करता हूँ ताकि मुझे बीटीसी में प्रॉफिट हो। तो भाई ये चीज को आपको अपनी ओर से सॉर्ट आउट करना होगा, लेकिन यस मार्केट अगर करेक्शन करेगा भी अल्टकॉइन्स के अंदर, तो वो सिर्फ टेम्पररी रहेगा, ज्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, यस उसके अंदर फिर आपको स्टॉप लॉस पुट करना होगा, बट अगर आप मिड टर्म लॉन्ग टर्म होल्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर कोई बेफिक्र रहो, टेम्पररी मार्केट डाउन जाके वापस अपसाइड में जा सकता है। उम्मीद करूं आपको वीडियो प्रॉपर्ली समझ में आ चुका है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन कोई सवाल हो, तो भाई कॉमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कीजिए, कोशिश करूँ आपके लिए बेस्ट तरीके से और वीडियो अपडेट दे सकूँ। तो गाइस फिल वक्त पे वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर।